देखिए दोस्तों, ये पकड़ा गया है। अब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं पानी से। देखिए दोस्तों, अब इसको हम करने के लिए जा रहे हैं। देखिए ये ग्रेवी भी कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों, ये मछली हमारे किचन में आ गया है। इसको हम किसी भी तरह पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये बगल मेरे ही बगल में ये है, पानी है तालाब में, इसी तालाब से भस के चला आया है। इसको हम किसी भी तरह प्रयास कर रहे हैं पकड़ने का दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसको हम पकड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब बड़ा आराम से इसको पकड़ने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, पकड़ा गया ये। देखिए दोस्तों, ये पकड़ा गया है। अब इसको हम अच्छे से पकड़ लिए हैं। इसको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भागे नहीं। बहुत प्रयास कर रहा है भागने का। देखिए, अब इसको हम पानी में रख लिए हैं, अपने टब में रख लिए हैं। लगता है ये करीब 2 केजी का है, लगभग 2 केजी का है। ये देखिए टोटू कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सा है। अब इसको हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, अब मछली को अच्छे से साफ करके तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम बनाने के लिए जा रहे हैं। अब इस मछली को लेकर चूल्हे के पास जा रहे हैं और अच्छे से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये हम चूल्हे को जला रहे हैं। मछली के लिए हम सारा सामग्री ले लिए हैं। ये सारा मसाला है, ये है हल्दी पाउडर, ये है रेड चिली,
ये है सूखी लाल मिर्च, ये है काली मिर्च, ये है मेथी पत्ता, ये है सरसों दाना, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, ये लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज का पेस्ट है, और ये सरसों का पेस्ट है, और ये धनिया पत्ता है, ये दो रेड चिली है, दो हरी मिर्च है। ये सब हम मिला करके अब बनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक, अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, ये हल्दी पाउडर, ये है रेड चिली, इसमें डाल रहे हैं। इसको अच्छे से हम मिला देंगे। कढ़ाही गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से तेल डाल रहे हैं। ये सरसों तेल है, मछली सरसों तेल में ही ज़्यादा अच्छा बनता है और टेस्टी बनता है। तेल गर्म हो चुका है, इसको अब हम डाल रहे हैं इसको फ्राई करने के लिए। देखिए अब एक साइड से इसका फ्राई हो चुका है, अब इसको पलट दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर फ्राई हुआ है, फिर इधर से भी हम पलट के फ्राई कर रहे हैं। अब देखिए ये फ्राई हो चुका है अच्छे से, पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए अब ये सारा मछली को हम फ्राई कर लिए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम मसाला के लिए राई डाल रहे हैं। अब हम मसाला फ्राई करने के लिए इसमें थोड़ा सा राई डाल रहे हैं। ये लहसुन का पेस्ट है, ये जीरा है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हल्दी पाउडर है, ये सूखी लाल मिर्च है, ये धनिया पाउडर है। सारा हम इसमें डाल दिए हैं। ये मरीच पाउडर है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा देर भुनने के बाद इसमें फिर प्याज का पेस्ट डालेंगे और राई का। ये सरसों का पेस्ट है, ये सरसों का पेस्ट डाल रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से। अब इस तरह से इसको मिलाते रहना है ताकि मसाला चिपके नहीं, इसमें कढ़ाई में पकड़े नहीं।
इसको बराबर बराबर भूनते रहना है ताकि मसाला कढ़ाई में चटके नहीं, इसलिए हम इसको बराबर भूनते रहते हैं। और भूनने के बाद इसको फिर इसमें अब नमक डालेंगे। पहले तो हम टमाटर डाल दे रहे हैं, ये टमाटर है, इसको हम काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, अब इसको इसमें हम डाल रहे हैं। अब इस तरह से इसको मिला दे रहे हैं, फिर इसमें नमक डाल दे रहे हैं। अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये नमक है इसमें हम डाल रहे हैं। इस तरह से फिर मिला देते हैं। देखिए ये मसाला भुना करके तैयार हो चुका है, अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। देखिए दोस्तों अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, मसाला अच्छे से भुना गया है, देख सकते हैं इसमें तेल छोड़ दिया है। अब इसको हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल रहे हैं, इसको इस तरह से मिला देंगे ताकि पूरा मसाला घुल मिल जाए। देखिए अब ग्रेवी बनके तैयार हो चुका है लगभग, अब इसमें हम मछली को डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं बारी बारी से। देखिए अब ये बनके तैयार हो चुका है, अब इसको हम उतार लेते हैं अच्छे से निकाल के फिर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों मछली बनकर अब तैयार हो गया है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी देखकर बताइए कैसा लग रहा है। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइए अपने घर में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये ग्रेवी भी कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये बनके तैयार हो गया है अच्छे से।